उस ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ था पिटीशन के जरिए, उसकी कल भी समाअत हुई, आज उसकी डिटेल्ड बहस सुनी। अदालत ने कहा कि जो मेन सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आईन या किसी भी कानून में ये इख्तियार है कि वो प्रेसिडेंट की दी हुई तारीख को तब्दील कर दें। उसके ऊपर पूरी जो आर्टिकल्स थे, शिकें थी आईन की, उसके ऊपर बहस हुई, एक एक आर्टिकल को देखा गया, इलेक्शन एक्ट 2017 देखा गया। हमारी सबमिशन अदालत के सामने ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो आईन में, आईन के ज़रिए या किसी कानून के ज़रिए इलेक्शन की डेट को तब्दील कर सके। इलेक्शन की डेट 90 दिन में ही होनी है। इलेक्शन जो है वो एक बुनियादी हकूक है, हक है लोगों का, पॉलिटिकल पार्टी का भी, हर सिटीज़न का, पाकिस्तान के हर शहरी का, कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे, अपनी रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली है उसको इलेक्ट करे, उसके बाद हुकूमत बनाए। उसमें 90 दिन से ज़्यादा करने की गुंजाइश इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। हमारा ये भी मौक़िफ़ था कि जो तीनों वजूहात दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हमारे पास पैसे नहीं, या फेडरल हुकूमत या प्रोविंशियल हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है कि हम इलेक्शंस करा सकें, ये ऐसे वजूहात हैं, ऐसे रीजंस हैं जो आईन में और कानून में कहीं नहीं लिखे। और नंबर दो, ये ऐसी वजूहात हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन वजूहात की वजह से इलेक्शन को डिले कर सकता है, तो फिर तो इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। जब मर्जी इलेक्शन कमीशन की, वो इन्हीं वजह, इनमें से किसी भी वजह को लेके इलेक्शंस डिले कर दें। हमारी बहस ख़त्म होने के बाद अटर्नी जनरल साहब ने भी बहस की। एक इशू उन्होंने रेज़ किया कि ये जो पहली जजमेंट थी, वो उसका नोट जो आया है माइनॉरिटी जजेस का, उसके बारे में उसके बाद उसको भी वजाहत करनी चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा कि ये केस मुख्तलिफ है, वो केस मुख्तलिफ था, ये केस में तो हमने फ़ैसला ये करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो तारीख है उसको डिले कर सकती है या नहीं। उस केस के लिए अगर कोई है तो कानूनी कार्रवाई, कोई रिव्यू, कोई मैटर उस रेज होगा तो हम देखेंगे। फ़िलहाल उसका कोई इस केस से रेलेवेंस नहीं है। कल के लिए बाकी समाअत जो है केस में होगी। कल इंशाल्लाह जो बहस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब वो करेंगे, और उसके बाद जल्द हमें उम्मीद है कि चूंकि एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, पूरी कौम देख रही है इस केस को, इसलिए उम्मीद ये है कि इसकी जल्द से जल्द फैसला आएगा। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, जो भी फैसला आया इंशाल्लाह उसको हम तस्लीम करेंगे। अच्छा जी, दो तीन बातें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। आज सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि जी आप फुल बेंच बनाएं। कल से आपको पता है कि मरियम नवाज की और नून लीग की और पीडीएम के करोड़ों रुपए ये बयानियां बनाने पे खर्च हो चुके हैं कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वो अंडरमाइन कर सकें, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर सकें। और कल से सारी एफर्ट आज आपने देखी है, यही हो रही थी। पैनामा के केस में भी आपको पता है कि अचानक मीडिया वालों के कुछ इश्तिहार बड़े बढ़ गए थे, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा कि कल से जो एफर्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने के लिए, इसमें भी ज़रा फाइनेंसिस चेक कर लें कि किधर किधर गए हैं, तो उनको पता चल जाएगा। आज जस्टिस मंदोखेल साहब को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये करोड़ों रुपया हुकूमत का डबो दिया, ये कह के कि ये हमारा इंटरनल मसला है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आज जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसको आप फुल कोर्ट बनाएं या ये करें वो करें, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा एक अंदरूनी मामला है, ये हम खुद ही देख लेंगे। और आप इस बात के ऊपर आएँ कि अगर इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालेदम करार दिया जाए तो उसका फिर क्या इफ़ेक्ट होगा इलेक्शन की डेट के ऊपर। और उसके बाद मैं समझता हूँ अली ज़फ़र साहब ने जो सारी चीज़ें हैं वो तो कंक्लूड कर दी आज इन्होंने जिस तरह से अपना केस पेश किया। देखिए, हमारा आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन का बड़ा वाज़े है। आर्टिकल 2A कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह आलमाइटी, और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये और अगर आप आइन को इसे हिलाएंगे तो इसका मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो गिर जाएगा। ये अली ज़फ़र साहब ने आज, इसलिए इलेक्शन के अलावा
कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है। अब दो पॉइंट्स जो पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे अटॉर्नी जनरल मंसूर जो है वो ज़ाहिर है मेरा छोटे भाइयों की तरह काबिल वकील है, लेकिन आज पहले हनीमून वाले दिन ही उसको बड़े मुश्किल मामला किया गया और अगर जजेस ने भी बड़ा कोशिश की कि उनको, लेकिन मुनीब अख्तर साहब के सामने मुझे लगा कि जैसे वो शिकारी की फ्लड लाइट होती है ना, गोश्त खरगोश के ऊपर पड़े तो वो आँखें चुड़िया जाती है, बेचारा ठटर जाता है। आज हमारा अटॉर्नी जनरल का वही हाल था। तो आर्गुमेंट उनके बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक आर्गुमेंट ये है कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब आप बताइए, मैं तो रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, एक एटमी मुल्क अपनी ताकत का हामिल मुल्क ये कहे कि हमारे पास 8-10-15 मिलियन डॉलर भी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, आप अपना क्या बता रहे हैं लोगों को? अमेरिका की कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स होगी, वो कहेंगे जिस मुल्क के पास 10-15 मिलियन डॉलर नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, उसके ऊपर आपने ये एटमी ताकत का सारा मामला उसके पास है। क्या ये दुनिया को हम डरा नहीं रहे अपने हालात से? फिर आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी इतनी ख़तरनाक हो गई है कि हमारे पास लोग ही नहीं है आपने स्पेयर करने के लिए। आप क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर का या पाकिस्तान में बिजनेस को इससे आप क्या उसका माहौल बेहतर कर रहे हैं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इनके ये दोनों आर्गुमेंट सुन लें, लेकिन इनको लिखें ना, क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स में चीज़ें पेश होंगी कि पाकिस्तान की हुकूमत तो खुद कह रही है कि हमारी हालत इतनी पतली है कि हम 10-15 मिलियन डॉलर देने जोगे भी नहीं हैं और हम 15-20 हज़ार लोग भी हमारे जो है वो फौज स्पेयर नहीं हो सकते इलेक्शन कराने के लिए। इमरान खान के घर के ऊपर जमान पार्क पे हमला करना हो तो एक घंटे में 4500 लोग अरेंज हो जाते हैं, इलेक्शन कराने हो तो फिर इनके पास लोग नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि बड़ा अच्छे माहौल में और एक कंसेंसस से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा एतमाद है और सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को बहाल कर सकती है, जो पाकिस्तान में आईन को बहाल कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो फिगर्स अभी हम इंशाल्लाह कल देंगे, एक तरफ कह रहे हैं 20 अरब रुपए नहीं है, दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोटे हुए थे एमएनए उनको और अपने एमएनए को 90 अरब रुपये मुझे अंदर गया, लेकिन अब मैं बाहर निकला हूँ तो पता चला कि 90 अरब रुपये की स्कीमें दे दी गई हैं, 10 अरब रुपया इन्होंने लैपटॉपों में दे दिया है, यानी 100 अरब रुपया तो वो ये दे रहे हैं, तो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है। तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो होगा वो आइन के मुताबिक होगा और तमाम इदारों को और फेडरेशन को उस पर अमल करना पड़ेगा। थैंक यू। देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस का बनना है या सो मोटो लेना है, ये तमाम बातें बहस तलब हैं और इन पर बहस हो सकती है, और मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कंसेंसस से इसके ऊपर बढ़ना चाहिए। ये तो बात सही है, सुप्रीम कोर्ट में या सारी हमारी सुपीरियर कोर्ट्स में जजेस की तैनाती से लेके बेंचेस बनाने इख्तियारात, सो मोटो इख्तियारात, इनके ऊपर एक गौर हौज की ज़रूरत है, जस्टिस सिस्टम को बदलने की। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि हमें एक मौका होता है हर काम का। इस वक्त अगर सजाद अली शाह साहब को जब 1997 में हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस ने हटाया था, लेकिन आज वो विलन नहीं है, सजाद अली शाह हीरो है और जिन जजेस ने हटाया था वो विलन है। वक्त होता है हर काम करने का। जी मोहसिन, देखिए मैं समझता हूँ कि कानून साजी होनी चाहिए, कोई शुबा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को और तैनातियों को लेके इसके ऊपर होना चाहिए, और अगर एक फेयर सिस्टम हमें मिल जाए, जो मरियम नवाज़ और कहते हैं ना कि फेयर और तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जिस दिन पाकिस्तान में ये दोनों प्रिंसिपल लग गए ना, मरियम नवाज साहिबा जो है उनको अपना मेकअप का सामान भी पैक करने का टाइम नहीं मिलना, इन्होंने लंदन भागना है। सो इसलिए ये करें, वो काम करें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें और उसके बाद देखें इन्हें कैंडिडेट भी कोई मिल गया तो मुझे कहिए।
देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनाइज होंगी और सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब आएगा। अभी तक तो अटॉर्नी जनरल साहब कोई वाजे जवाब नहीं दे सके किसी एक भी बात का जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल बात रखे। तो आप साहब ये बता दें कि हुकूमत इतनी गरीब है कि सिर्फ 20 अरब रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रही है कि जजेस कह रहे हैं कि अपनी तनख्वाह दे देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम अगर जरूरत पड़ी तो हम हुकूमत के लिए या टेली